हेलो फ्रेंड, फिर से एक नए वीडियो में स्वागत हो। आज का वीडियो में हम बात करने वाला बजाज पल्सर 125 BS6 बाइक का बारे में। तो इसके अंदर ये जो प्रॉब्लम है ना फ्रेंड, जो फ्रंट साइड व्हील है ना, आपको थंबनेल देख के पता चला जाए किसके बारे में आज बात करने वाला, क्योंकि ये जो व्हील है ना फ्रेंड, जो भी रोटेशन कर रहा है सीधा उसी टाइम पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जो भी इसका है ना रोटेशन, जब उल्टा घुमा रहे ना उसमें देख पा रहे फटक सा अभी जाम हो चुका। तो ये जो प्रॉब्लम है ना किस चीज़ का हो सकता को आपको पता है क्या? चलिए फ्रेंड, इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल का साथ देखा ना यार। कोई भी इस तरीके से प्रॉब्लम आपका पास आया ना, आप 100% प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। देख पा रहे फ्रेंड, आपको सीधा रोटेशन करने के बाद देखा था, आपको देख पा रहे सीधा रोटेशन करने के बाद प्रॉपर तरीके से रोटेशन कर रहा है। और जब भी मैं इसको उल्टा मूवमेंट कर रहा है, देख सकता फ्रेंड, अभी देख सकता फ्रेंड, अभी जाम हो रहा है, कितना भी जाम हो चुका। देखो 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 कितना जाम हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा जाम हो रहा है। ठीक है, आपने देख लिया ना फ्रेंड, अभी देखो एक जगह पर बहुत जाम हो रहा था। ये जो प्रॉब्लम है ना किस तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, चलिए फ्रेंड आपको डिटेल का साथ में दिखाना वाला। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ये जो देख पा रहे फ्रेंड, जो इसका डिस्क है ना, डिस्क इसका कैलिपर पूरा उसको ओपन करना पड़ेगा। ओपन करने के बाद में जो डिस्क पैड है ना उसको थोड़ा सा इसको घिसना पड़ेगा, घिस के इसको प्रॉपर तरीके से सेट करना पड़ेगा। चलिए फ्रेंड ये भी ओपन करता है और उसी जगह पर प्रॉब्लम है, कहाँ प्रॉब्लम, चलिए फ्रेंड आपको डिटेल का साथ में दिखाना वाला। चलिए फ्रेंड सबसे पहले इसको ओपन करता हूँ। देख पा रहे हैं डिस्क का कैलिपर का जो 12 नंबर का जो नट है ना, इसको भी ओपन कर चुका अच्छे से, देख पा रहे। उसके बाद ही आपको प्रूफ देखा था किस जगह पर इसका प्रॉब्लम है। देख पा रहे हैं इसका जो डिस्क पैड है ना, डिस्क पैड को उसको ओपन करना पड़ेगा। ओपन करने के बाद इसको अच्छे से एक बार घिसना पड़ेगा पॉलिश पेपर का मदद से। चलो फ्रेंड ये जो इसका इसका जो एलेंगी है ना, एलेंगी का जो नट है इसको ओपन करना पड़ेगा। चलो फ्रेंड इसको भी ओपन करता, पैड बाहर निकालता, निकालने के बाद ही मैं आपको आगे का प्रोसेस आपको बताता। देख पा रहे हैं इसको प्रॉपर तरीके से बाहर निकल के लिया, उसके बाद मेन आपको क्या काम करना चाहिए। चलो फिर ना इस वीडियो में आपको कम्प्लीटली बताने वाला, क्योंकि छोटा सा इन्फॉर्मेशन है, बहुत ही काम का है। एक पॉलिश पेपर का मदद से आपको है ना इसको अच्छे से एक बार इसको घिसना पड़ेगा प्रॉपर तरीके से, दोनों साइड घिसना पड़ेगा। देखो ना अंदर भी आपको कचरा देखने के लिए मिल रहा है, ये है ना प्रॉपर तरीके से क्लीन करने के बाद इसको फिटिंग करने का इसका प्रॉब्लम 100% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। चलो फिर आपको फिटिंग करने के बाद आपको देखा था। देख पा रहे हैं इसको कैलिपर को अच्छे से अभी फिटिंग करके दिया, उसके बाद ही व्हील को जब रोटेशन करेगा ना उस टाइम आपको जो फ्रंट साइड में पहले से तो अभी इजी था, अभी बैक साइड में अभी रोटेशन करने के बाद भी आपको दिखाएगा। अभी देख पा रहे हैं फ्रंट साइड में घुमाने के लिए बाद अभी कितना अच्छे से रोटेशन हो रहा है, अभी बैक साइड में भी देख सकते फ्रेंड अभी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको पता चल गया था प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो चुका। इस तरीके से प्रॉब्लम कभी भी आपका पास आया ना तो इसी प्रकार से काम करना है, सिर्फ इसको निकालने का, निकालने के बाद ही रोटेशन करने का, देखने का, देखने के बाद अगर सोचो प्रॉपर तरीके से अगर रोटेशन हो रहा है दोनों साइड में तो सोचने का फ्रेंड इसी का अंदर ये प्रॉब्लम था। तो किसका आपको दिखा दिया ना प्रॉब्लम कहाँ पर था, इस जगह पर जो पैड में प्रॉब्लम था। चल फ्रेंड मेरा छोटा सा वीडियो देख के अगर आपको थोड़ा सा जानकारी मिला ना यार, एक लाइक कर दीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं ना ये सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।